बार चल दुनिया नहीं है बबल। हाय ज्योति, बड़ा प्यारा मौसम हो रहा है। सच में अच्छी सी दूध पत्ती वाली चाय पीने का दिल कर रहा है। हाय मेरा भी, जब ना के ले आ। अगर मैं अपने घर से बनाकर लाऊंगी तो रास्ते में ही चाय ठंडी हो जाएगी। नहीं नहीं कोई गल नहीं, तू जा जाके ड्राई आइटम ले आ और यहाँ पे बना ले आके चाय ताजी ताजी। और पानी वो भी अपने घर से लेकर आऊं? नहीं ओ नहीं, पता है तुम्हें मेरा दिल कितना बड़ा है, पानी तो यही से लेना। अच्छा छोड़ो, अब और सुनाओ, सुना है तुमने किराएदार रख लिए। हाय नहीं गोगी, क्या बताऊं तुझे, जब से ये मनहूस किराएदार पल्ले पड़े हैं ना, मेरी तो रातों की नींद ही उड़ गई है। मैं क्या किस्सा सुनाऊं तुझे अपने दुख का। हाय तो ऐसे किराएदारों को निकाल, बाहर फेंको। हाय हाय कैसे निकालूं, मुस्तकीम का तो पता है ना तुझे, किस तरह गायें हैं गायें, इन बदमाशों के मुंह ही नहीं लगते। तो ऐसा करो ना, इन लोगों को निकालने के लिए सचमुच का बदमाश बुला। केड़ा बदमाश बुलवावा? अरे गोगा बदमाश। गोगी है? है गोगा बदमाश तेरा भरा है? अरे नहीं जोजी, बहुत खतरनाक बंदा है। अरे पुलिस, पुलिस तो इसकी जेब में रहती है। घर हो, मकान हो, दुकान हो, प्लॉट हो, अरे कुछ भी हो, रातों रात खाली करवा देता है। मैं तुम्हें इसका नंबर ला कर दूंगी, फोन करके बुला लेना, फिर देखना एक घंटे में तेरा घर खाली हो जाएगा। अभी देना नंबर। हाँ लाती हूँ। लो जी हुण आएगा मजा, ते तक्के मार के मैं नुक करूं बार कर। हम कसम खाते हैं कि अपनी जौजा मोहतरमा के 120 टुकड़े करके यही सहन में दफना देंगे। मुस्तकीम, तुम दिन दहाड़े मेरे कत्ल की मंसूबा बंदी कर रहे हो इधर बैठे हुए। कैसी बातें कर रही हैं आप? हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि अपनी जौजा मोहतरमा की जान ले लें, हमसे तो मक्खी नहीं मरती, तो कुजा ये भैंस। क्या तुमने मुझे भैंस कहा है? प्यार से भैंस कहा है, अर्ज किया है। उसकी आंखें भैंस जैसी काली और मोटी लगती हैं और हमारी जौजा मोहतरमा अपनी उम्र से 15-20 साल छोटी लगती है। वाह मुस्तकीम वाह। बंद करो जी अपनी बकवास शायरी, ते मेरी गल जरा गौर ना सुनो। मैंने उत्ते वालों को यहाँ से नसाने का पूरा पूरा मंसूबा बना लिया। अरे कैसा मंसूबा? ओए असीं जी गोगे बदमाश नु बुलावांगे। गोगा बदमाश, ये कौन साहब है? ओए होए ये रहा उसका नंबर, पकड़ो इसे, अभी इस नंबर पे फोन करो। तुम्हें पता है ये बंदा कार खाली कराने का एक्सपर्ट है, अभी इसे फोन करें और फौरन इधर बुलाएं। अरे देख लीजिए बेगम, इस तरह बदमाशों को बुलाना कुछ अच्छा नहीं लगता, आखिर हम शरीफ लोग हैं। फोन करो जी तुसी इन्हें। जी जी जो हुक्म आपका, जो हुक्म आपका। बैल जा रही है। अस्सलाम वालेकुम गोगा भाई जान। अबा कौन है बे? अबे यार तबे, हम मुस्तकीम बोल रहे हैं, घर खाली कराना है। अबे तू मुझसे घर खाली करवाएगा? आ तो सही, अबे तेरी टांग ना तोड़ दूं तो गोगा नाम नहीं मेरा। नहीं गोगा भाईजान, आपको गलत फहमी हुई, हमने अपना घर खाली कराना है। आपको एड्रेस भेज रहे हैं, बस तशरीफ लेके आ जाइए। अच्छा अच्छा आता हूँ, फोन रख। माफ कीजिएगा, हम आपको पहचाने नहीं, आपकी तारीफ। तारीफ तो जितनी चाहे कर लेना, लेकिन तुझे घर से तो जाना ही पड़ेगा समझा। अरे हम यहाँ से क्यों जाएंगे, हम तो सालहा साल से यहाँ मुकीम हैं। ओए जाएगा तो तेरा बाप भी। लेकिन हमारे अब्बा हुजूर तो सालहा साल पहले इस जहाने फानी से कूच कर चुके। अच्छा तेरा अब्बा पहली कोच पकड़ के भाग गया, अब तुझे भी भाग जाना चाहिए था, अब तू नहीं बचेगा यहाँ। भाई हमारा कसूर क्या है ये तो फरमाइए। तूने इस घर पे कब्जा किया है, तुझे जाना पड़ेगा, निकल। क्यों मार रहे हो मेरे मियाँ को? बड़ा हमार। ओए मुझे तुम लोगों से घर खाली करवाना है, सीधी तरह निकलो नहीं तो। तुसी गोगे बदमाश हो? हाँ गोगा बदमाश। असी ते बुलाया तो अनु, वो हमारे ना बड़े ही कोई टीढ़ किस्म के किराएदार है, कार ही नहीं खाली कर रहे, उनसे कार खाली कराने, उन्हें यहाँ से तक्के मार के बाहर निकालना है। ओए कहाँ है वो ढीठ किराएदार? गोगा भाईजान वो तो बालाई मंजिल पे मुकीम है। अब पाया ना, आपने ना एक काम करना है, वो जो ऊपर निक्की टी शर्ट वाला है ना, उसे तो 5-6 खींच के मेरी तरफ से भी देनी है, और वो जो बड़े एडे बड़े मुंह वाला है ना, उसे तो ऐसी कोट लगानी है कि मुंह ही निक्का कर देना है उसका। और देखो आप मैं करता क्या हूँ, आ जाओ मेरे साथ। चलो आओ भाई, चलो आ जाओ। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा शायद तुम्हारे बगैर। रियाज रफी जल्दी से जाए, सब्जी लेकर आए ना। अरे अच्छा ना भी ला दे तो, बस ये आखिरी सीन चल रहा है यार, सब्र करो। अच्छा तो यहाँ छुपे बैठे हो तुम लोग? हैं ताला तुम। हाँ
ओए चलो निकले यहाँ से। मैं तो बस निकल ही रहा था सब्जी लेने कसम से। ओए ये घर खाली करो नहीं तो बुढ़ापे में दोनों जान से जाओगे। तो रुक बच्चू मैं भी अपने पुत्र को वास देती हूँ, तेरी फेंटी उसी ने लगानी है। रमीज वकील जलील दीन। वो कितने पुत्र है तेरे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अरे मोमो तुम्हारे 2 बेटे हैं, एक यहाँ होता है दूसरा तो हॉस्टल में होता है। हाँ पर वो 10 के बराबर है, अपने बाप पे आँच नहीं आने देगा। क्या बात है माँ जी? अच्छा तो ये है इसका बेटा हा? जो अपने बाप के बदले की मार खाएगा मुझसे। कौन बाप, किसका बाप भाई? और ये वाला बाप? ये और मेरे बाप? वो कैसी बातें कर रहा है भाई, इनकी मेरी शक्ल ही नहीं मिलती। अरे भाई मेरा बाप तो एक खूबसूरत आदमी था, उसकी सिर्फ उंगलियां लंबी लंबी थी, रोशी उसका नाम था, ये मेरा बाप नहीं हो सकता। अरे सोतेला ही सही लेकिन तुम्हारा बाप हूँ यार। तुम लोग जो भी हो गोगा तुम लोगों से घर खाली करवाने आया है, निकलो। हम क्यों खाली करेंगे ये घर, हम किराया देते हैं यहाँ का। ओए लड़की घर तो खाली करना पड़ेगा वो भी सामान समेत, नहीं तो तुम दोनों के शोरों की टांगे तोड़ के बाहर फेंक दूंगा। सिर्फ 1 घंटा दे रहा हूँ, समझ में आई? भाई बात सुनो भाई, तुम्हारी टांग तो पहले ही टूटी हुई थी, अब हमारी भी टूटेगी। आ गए वो, आ गए। ओए गोगिया ओ ये क्या, तू कल्ला ही आ गया, किराएदार कहाँ है? अब पूरे 1 घंटे का टाइम देकर आया उनको मैं। ओए गोगिया ये क्या किया, मैंने तुझे कहा था उन्हें इसी वक्त घर से निकालना है। और मेरे भी काम करने के कुछ असूल होते हैं बीबी, एडवांस के बिना कोई काम नहीं करता मैं। हाँ तू दे दे एडवांस। मैं क्यों दे दूं? और तुम लोग दोगे मुझे एडवांस? अरे घोगा भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है, अच्छी तरह गिन लीजिए, देखिए पूरे 2,000 रुपए है ये। आहो ते बाकी के 2,000 जाना वो कम होने के बाद। तुम लोगों को मैं क्या फकीर लगता हूँ जो 2,000 रुपए थमा रहे हो? अरे नहीं नहीं घोगा भाई, फकीर को तो जोजी बेगम सिर्फ 2 रुपए देती है। क्यों बेगम? अबे ओ गौर से सुनो, मैं 2,00,000 रुपए काम से पहले लूंगा और 2,00,000 काम के बाद। हौसला हौसला बेगम हौसला। अरे गोगा भाई ये क्या जुल्म किया आपने, आपने एक ही सांस में 4,00,000 रुपए इकट्ठे कर दिए। ओए गोगे कुछ तो डिस्काउंट कर, आखिर को हम पुराने रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार वो कैसे? वो देख ना, मेरी फूफी की चाची की सास की ताई की नंद के बेटे का तू कजन है, तो मेरा क्या लगा? मुझे क्या पता, मैं पैसे पूरे लूंगा। ठीक है बच्चू, मैं फिर तेरी बेबे को शिकायत लगाऊंगी, देखना कैसे तेरे चपेड़े पड़ती हैं मुंह पे। ओ मेरे बेबे को तो मरे हुए पूरे 5 साल हो गए। अरे गोगा भाई वही तो, जब ये फौत होंगी ना खैर से तो ये ऊपर जाके आपकी बेबे से आपकी शिकायतें लगाएंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, बेबे से शिकायत नहीं लगाना, 2,00,000 रुपए लूंगा पर इससे कम भी नहीं, समझ में आ गई? अच्छा अच्छा ठीक है, चल जा ना ऊपर और अपनी सोटी से ऐसी कुट लानी है, ऐसी कुट लानी है कि थल्ले तक आवाजें आनी चाहिए। भाई हमारा दिल तो बहुत कमजोर है, हम ये मंजर देख नहीं पाएंगे, हम तो यहाँ से जा रहे हैं। ओए आ रहा है गोगा। ओए गोगिया हाँ। खूब फेंटी लाना खास तौर से ना उस ऐनक वाले जिन की। घंटा पूरा होने वाला है, अब क्या होगा? ओ माँ जी मुझे महमूद साहब पे पूरा भरोसा है, ये अपने जान की कुर्बानी देकर हमें बचाएगा। वो जो मैं अपनी जान की दूंगा वो कुर्बानी होगी? हाँ जी। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, अरे मैं अपनी हड्डियां नहीं तोड़वाऊंगा। अरे उसका हाथ देखा था कितना भारी था। ओए उससे भारी तो पराठे आप नाश्ते में 8-8 दर्जन खा जाते हैं आलू के। तुम लोग अभी तक यहीं बैठे हो, सामान नहीं बांधा, लगता तुम लोगों को अपनी जान प्यारी नहीं है। देखो तुम हमें घर से नहीं निकाल सकते, सीधी तरह चले जाओ वरना। ए, मोर तो क्या मुंह नहीं लगता, समझ में आ गई? और तेरी बदतमीजी की वजह से ना मैं तेरे शोर की 4 हड्डियां ज्यादा तोड़ूंगा। वो जानो क्या कर रही हो यार, तुम्हारे हिस्से की मार मुझे खानी पड़ेगी मुफ्त में यार। शट अप नबील, मैं नहीं डरती, अब तुमने हमें धमकाया ना तो पुलिस बुलवा लूंगी मैं। अब बुला लो बुला लो, शौक से बुला लो, मैं पुलिस से नहीं डरता। एक पुत्र गोगे तू हमें ना थोड़ा सा वो दे दे। वो क्या, जहर? जहर नहीं भाई, मोहलत दे दे, थोड़ी मोहलत। हाँ मोहलत, बस 1 घंटे की मोहलत दे दे गोगी। गोगी नहीं गोगा, और मैं पहले भी तुम लोगों को 1 घंटा दे के गया था। भाई वो तो तुमने अपनी मर्जी से दिया था ना, ये वाला घंटा तो हम मांग रहे हैं यार, प्लीज भाई रहम कर हम पे, हम 1 घंटे में नया घर ढूंढने की कोशिश करते हैं ना। भाई ठीक है 1 घंटे के बाद आऊंगा, अगर तुम लोगों में से कोई भी नजर आए ना तो खैर नहीं तुम लोग की। चल पुत्र जल्दी से सामान बांध। ओ जानू बाबा जी से बोलो यार प्लेन की टिकटें भेजे यार। मैं नबी एक काम करना, पापा जी से कह के ना मेरी फर्स्ट क्लास में रिजर्वेशन करवाना यार, वो जो इकोनॉमी क्लास है ना उसकी सीटों में ना मेरी टांगे फंस जाती हैं। अब पुत्र मैं गर्म कपड़े रख लू।
हम कहीं नहीं जा रहे, मैं अभी पुलिस को फोन करके बुलाती हूँ, वो ही इस बदमाश से निपटेगी। ओ जानू छोड़ो, हम इन चक्रों में क्यों पड़ेंगे यार, हम लोग शरीफ लोग हैं, पापा जी के पास चलते हैं यार। शट अप नबील। सो के जानू। कौन है? केड़ा है? ओह कौन है भाई जान, आप यहाँ क्यों आए हैं? और मैं खुद नहीं आया, मुझे बुलाया गया है। नहीं नहीं पाजी, हमने थोड़ी पुलिस बुलाई है, हम तो बड़े शरीफ लोग हैं। अरे फोन पर इसी घर का एड्रेस दिया था मुझे। नहीं साढ़े कार से तो किसी का भी फोन नहीं गया, मेरा ख्याल है गवांडियों के कार से आया होगा, आप उधर जाएं। और बीबी मुझे इसी घर का एड्रेस दिया था, इस घर में एक बदमाश है। बदमाश? हाँ, और मैं उसी बदमाश को गिरफ्तार करने आया हूँ। जी जी इंस्पेक्टर साहब, हमने बुलाया है आपको। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये जो औरत है ना, इसी ने बुलाया उस बदमाश को। अरे अंदर बैठा हुआ है, कभी हमें जान से मारने की धमकी दे रहा है, कभी हमारे टांगे और हाथ काटने का कह रहा है भाई। हाँ, जबकि हम लोग इन लोगों को किराया देते हैं हर महीने बाकायदा, और वो भी 5,000 के नोट। जी मैडम जी, ये सब क्या है? ओ जी। इंस्पेक्टर साहब, अगर हमें कुछ हुआ तो उस बदमाश के साथ साथ ये खातून भी जिम्मेदार होगी। हाँ जी। अरे मेरे होते हुए किसी को कुछ नहीं हो सकता, ऐसे बदमाश को भी गिरफ्तार करूंगा और ऐसे जालिम मालिक मकानों को भी। इंस्पेक्टर साहब जरा संभल के अंदर आइएगा, बड़ा ही खतरनाक किस्म का बदमाश है वो। अरे मैंने बड़े बड़े बदमाशों की अकल ठिकाने लगा दी है, तुम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, चलो मेरे साथ। आइए आइए। गोगा भाई माजरा चाहता हूँ, आपको इंतजार की जहमत उठाना पड़ी। गोगा भाई, खुदा झूठ ना बोलवाए तो 6 रोगनी नान, 4 पराठे, 2.5 किलो कढ़ाई, वो खाने के बाद ये आपका 8वां गिलास है लस्सी का। भाई आपके मेदे पर कुर्बान जाने को जी चाह रहा है, दादा तहसीन के ढोंगरे पर साना चाहते हैं आपके मेदे को। अर्ज किया है। मैं क्या बकवास कर रहा तू? अबे और कबे तू? ये वो बदमाश तो हमें धमकियां लगा रहा है। हाँ जी, इसको अरेस्ट करें, मैं तो कह रही हूँ उम्र कैद करा दे, बल्कि फाइन लगा। चुप करो तुम लोग, जानते हो ये कौन है? हमें क्या पता ये चुल्लू कौन है? गोगा बादशाह, माई बाप, कहीं तो इनको मनीषा के केस में अंदर कर दूं, या फिर कोई कत्ल की दफा लगा दूं। अरे भाई ये बदमाश है, इसे अंदर करें। बल्कि पिछले अंदर करें इसको। और चुप करो, ये माई बाप है हमारे, जेल तो अब तुम सब लोग जाओगे। और नहीं नहीं नहीं, अब तू कुछ ना कर, इन सब को तो मैं निमट लूंगा, तू जा। अरे आप बड़े दिन से आए नहीं थाने, तंदूरी चिकन और कीमे वाले नान खिलाएंगे आपको। हाँ हाँ आता हूँ, एंजॉय कर। अब देखा आप सबने मेरे गोगे की कितनी दहशत है। आपका गोगा भाई, ये सही है कि एक ही फ्रेम में 2 मुंह एक जैसे रखे हुए हैं, लेकिन अपना गोगा तो पहचानिए, आपका गोगा मैं हूँ। ये गोगा क्या है? ये तो मेरा प्रा है, मुझे पता है कि इसके सामने पुलिस वाला कुछ भी नहीं कर सकता, मैं तो बस ऐवी इसकी दहशत चेक कर रही थी। मेरा ख्याल है महमूद साहब, हम चल कर ना ऊपर पैकिंग ही कर लेते हैं। वो जो हमने ऊपर जाके करनी है वो पैकिंग है। हाँ जी। अच्छा जी। चले जी। हाँ चले जी। चले जी। ओका जी। चले जी। क्या हुआ नबील? इंस्पेक्टर साहब उसे उठाकर ले गए? ओ नहीं जानू, वो सही कह रहा था यार, पुलिस वाकई उसकी जेब में है। तो आपने उसकी जेब काट लेनी थी ना मुस्तकीम? मैं कोई जेब कट रहा हूँ, हो रहा हूँ तुम्हारा मैं। ओहो लेकिन हुआ क्या? इंस्पेक्टर साहब ने कुछ नहीं किया? जानू किया ना उसको, के बदमाश को उस पुलिस वाले ने सलाम किया, उसकी तारीफें की, उसको दावत दी और चला गया। What? अब हम क्या करेंगे नबील? जानू घर खाली करेंगे और क्या करेंगे। अब तुम देखना मैं उसको कलम कली बकलम खुद कैसा मजा चखाऊंगी इस सोटी से। कोई नहीं रोक सकता बच्चू, मैं मुस्तकीम की भी ऐसी कुट लगाती होती हूँ। तूने मेरे मुस्तकीम की कुट कब लगाई है भाई? अरे भाई ये मेरी बात कर रही है। और मैं ना औरतों पे हाथ नहीं उठाता, और तेरी बीवी ने ना मुझे इतना मारा है, और उसका बदला तुझे देना पड़ेगा बुड्ढे। तूने मेरी माँ को मार डाला। मेरे मोमो को क्या हुआ? मेरे मोमो को मार डाला? अरे भाई नबील मियां जरा गौर से देखिए, इनकी सांसें चल रही हैं, आपकी वालिदा माजदा
अभी तक जिंदा है। मुझे लगता है हार्ट अटैक हो गया है माँ जी को, डॉक्टर को बुलाना चाहिए। डॉक्टर से पहले ना पुलिस आएगी। हाँ आ जाए, मेरे का बिगाड़ लेगी। हा, हा? इन दोनों का तो बिगाड़ सकती है ना, हम इन पे केस करेंगे। पुत्र कफील, इस घर का ऊपर वाला पोर्शन सोने के नाम कर देना, तो नीचे वाला पोर्शन अपने नाम कर देना। ठीक है माँ जी, जैसा आप कह रही है वैसा ही होगा। अरे नबील मियां, कमाल कर रहे हैं आप, मालिक तो हम हैं, आप ठीक का फैसला करने खड़े हो गए। हाँ मेरी बात सुने, अरे आप दुआ करें कि मोमो बच जाए, वरना कत्ल के इल्जाम में तुम दोनों भी अंदर जाओगे। चलो चलो मेरी बात लेके चलो, उठाओ उठाओ इसको। मेरी माँ, मेरी माँ जानू, पापा जी को जल्दी बोलो पैसे भिजवाए पैसे। वो किस लिए? जानू मैं अपनी माँ का इलाज अमेरिका से कराऊंगा। नबील माँ जी का पासपोर्ट नहीं बना हुआ। जानू कोई मसला नहीं है, अब मेरा पासपोर्ट तो बना हुआ ना, मैं जाऊंगा अमेरिका, पूरी तसल्ली करके आऊंगा वहाँ से डॉक्टर के साथ मिलके। नबील, नबील मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी माँ बचेगी। यार मैं मुंह सब इतने बड़े मुंह से इतनी बुरी बुरी बातें कर रहे हैं यार। तो यार आप कोई डॉक्टर को तो बुलवाए, शायद वो कोई मेडिसिन दे, कोई इंजेक्शन लगाए और आराम। नहीं नहीं नहीं, कोई इंजेक्शन की लोड नहीं है, डॉक्टर टंकड़े को नहीं बुलाना। माँ जी आप तो बिल्कुल ठीक है। देखा बच्चों मेरी एक्टिंग का कमाल, मैंने कैसा डराया जोजी को, अब वो लोग हमें घर से नहीं निकाल सकते। वाह 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 मोमो, क्या कमाल की एक्टिंग की है तुमने। अरे मैं तो सचमुच समझा था कि तुम्हें कुछ हो गया है। थैंक यू इश्फाक। माँ जी लेकिन उस गोगा बदमाश पर आपकी तबीयत की एक्टिंग का कोई असर नहीं हुआ। लेकिन जानू मुस्तकीम साहब और जोजी आंटी, बल्कि जोजी बाजी पर तो हुआ ना। बाजी आपने इसी तरह एक्टिंग करनी है, आप देखिएगा कि हम इतना उन पर प्रेशर देंगे जोजी और मुस्तकीम साहब पर कि वो खुद गोगे बदमाश को निकालेंगे इस घर से। लेकिन वो कैसे नबीर? अपने अपने कान लाइए, मैं वो सब बालों वाला कान लाए इधर। मुस्तकीम, वे मुस्तकीम, मुमताज फौत तो नहीं हो गई? वो ऐसा ना कहे बेगम, फौत हूँ उनके दुश्मन। ओए उसकी दुश्मन तो मैं हूँ। इसी दुश्मनी पे एक शेर अर्ज किया है। एक शेर ना पड़ी, एक शेर ना पड़ी, चुप कर जा। अरे नबील मियां, एक बात तो बताइए कि खुदा ना हास्ता आपकी वालिदा ठीक तो नहीं है? मुस्तकीम साहब, मेरी माँ जी को डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, जवाब दे दिया है, जवाब दे दिया। क्या? दो सवाल मेरे भी हैं। कौन सा सवाल था जिसका जवाब दिया डॉक्टर ने, और दूजा है कि यहाँ से तो कोई डॉक्टर गुजरा नहीं है, तो कैसे जवाब दे दिया? मेरी माँ जी का डॉक्टर अमरीका में रहता है, उसने वीडियो कॉल पे मेरी माँ जी को देखा और जवाब दे दिया। अच्छा, वैसे जा कर रहा था कब्रिस्तान? कब्रिस्तान नहीं, पुलिस स्टेशन। अरे मियां नबील, पुलिस के पास क्यों? ये देखें, ये मेरी माँ जी का रिटर्न बयान है, इसमें लिखा हुआ है कि उनकी मौत की जिम्मेदार ये होगी। ये पढ़वाए क्या हूँ मैं, क्या हूँ भाई, उसको तो अटैक गोगे की वजह से आया है। अरे बेगम, बुलाया तो गोगे को आप ही ने था। अरे नबील मियां, हम बेगम की तरफ से आपसे माफी मांगते हैं, इन्हें माफ कर दीजिए ना। अरे भाई नबील मियां, जो होना था वो तो गया, हो अगर इन्हें फांसी हो गई तो फिर हमारा क्या होगा? फांसी? फांसी नहीं 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 नहीं, कोई और आसान सा नुस्खा ढूंढ लेते हैं मरने का। मुस्तकीम साहब, मेरे सर पे खून सवार है, आपकी बेगम को मेरी माँ जी से माफी मांगनी होगी, और अगर मेरी माँ जी ने इन्हें माफ कर दिया तो ठीक है, और आपको गोगे को भी कहना होगा कि वो यहाँ से जाए सबके सामने। हाँ फिक्र ना कर, मैं उससे माफी भी मांगूंगी तेरी माँ से, और उस गोगे को तुम लोगों के सामने मैं यहाँ से जाने का बोलूंगी। ठीक है, मैं सबको ऊपर से लेकर आता हूँ। भाई बेगम, खुदा झूठ ना बुलवाए तो ये डर और खौफ जो है इसने आपको और हसीन बना दिया। अर्ज किया है। शेर ना पड़ी, शेर ना पड़ी। जो हुक्म आपका। वाह जी, सब एक साथ, लगता है आखिरी सीन है। गोगी भाईजान, अब ना तुम जाओ,
हमने ना आपस में सुलह कर ली है। वो ऐसे कैसे सुलह कर ली तुम लोगों ने है? क्या मतलब कैसे कर ली भाई? कर ली सुलह, आप जाए यहाँ से। अब जानू आहिस्ता बोलो, भाई साहब जो है ना गोगा भाई औरतों को कुछ नहीं कहते, तुम्हारा गुस्सा सारा मुझ में निकालेंगे यार। अरे भी मेरे प्यारे दुलारे आंखों के तारे गोगा भाई, अब यहाँ से रुख्सत ले लें तो अच्छा है। वो ऐसे कैसे रुख्सत ले लूं? घर खाली कराने आया था और करा के जाऊंगा। ओ जी पर नहीं कराना ना हमने कार खाली। तो ठीक है लाओ फिर मेरे पैसे। जो काम भी नहीं होया थे पैसे कैसे? ओए सीधी तरह पैसे दो मेरे, नहीं तो पूरा घर खाली करा के ना घर पे कब्जा कर लूंगा मैं। अरे भाई बेगम लगता पैसे देने ही पड़ेंगे। गोगा भाई हाँ? आप अंदर ठंडे में तशरीफ रखें। अच्छा हम रकम लेके आते हैं। आइए 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 गोगा भाई आइए। गोगा भाई साहब बैठे आइए। फड़ गोगे अपने पैसे छोड़ो, और कोई काम हो ना जोजी बाजी तो जरूर याद करना मुझे। पर हमारे क्या? हाँ मेरा वीर, तुझे नहीं कहूंगी तो किसे कहूंगी। माशाल्लाह आप तो सेहतमंद और तवाना नजर आ रहे हैं। खुदा नजरे बस से ना बचाए आपको, मेरा मतलब है बचाए। ओए ये तो चंगी पली है। ओए जान तो पहले ही बची हुई थी बच्चू। ओए चोजी पोजी अब तू हमें यहाँ से निकाल के दिखा। चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल।